नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि आप किस तरह से ऑफिस 19 की किसी भी वर्ड फाइल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो भी पासवर्ड लगाकर बिना किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प के। यानी कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। विदाउट सॉफ्टवेयर आप ऑटोमेटिकली किसी भी वर्ड फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो भी पासवर्ड लगाकर, ताकि कोई भी आपकी फाइल को हैक ना कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैसे हम अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे सर्च बार में, और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर एमएस ऑफिस वर्ड पर क्लिक करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर वर्ड पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर इस क्रॉस के बटन को हटाना है और ब्लैंक पेज पर क्लिक करना है। हमने यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई है। यहाँ हमें एक फाइल बनानी है सबसे पहले। ठीक है, उस फाइल को बनाने के बाद हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम एक ऑफिस की वर्ड फाइल बनाते हैं। देखिए कैसे आपके सामने फाइल बनेगी ऐसे, माय नेम इज प्रदीप मुंडेल, आई एम कंप्यूटर टीचर। ठीक है, यहां पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है जिसे मैं सही कर लेता हूं। और यहां पे एम का प्रयोग करेंगे, और यहां पे मैं इसको मुंडेल करना है। लेकिन एक्चुअली यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो नाम होता है उसको ये ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई कर लेता है कि ये नाम सही है कि गलत है। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है माय नेम इज प्रदीप मुंडेल एंड आई एम कंप्यूटर टीचर। ये एक फाइल हो गई। इसमें मैं लिख लेता हूं पासवर्ड इज 1234। ये एक फाइल बन गई है। हालांकि मुझे बहुत कुछ लिखना है, मैं लिख सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं अभी कुछ लिखूंगा। मैं ओनली फॉर आपको फाइल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और यहां पर सेव इस पे क्लिक करेंगे। सेव इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इंटरफेस आ रहे हैं। ये पूछ रहा है कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे फोल्डर खुल जाते हैं जहां आप चाहते हैं सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरी फाइल का नाम आ गया है माई नेम इज प्रदीप मुंडेल, लेकिन मैं इसको ओनली फॉर लिखूंगा प्रदीप, प्रदीप के नाम से, और मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। जैसे मैं सेव करूंगा मैं यहां से इसको क्लोज कर देता हूं, और आप देख सकते हैं वो फाइल हमारी यहां पे डेस्कटॉप पे आ चुकी है प्रदीप के नाम से। ये फाइल यहां पर ओपन हो गई है। अब हम इस फाइल को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे। अभी आप देख रहे हैं हमने जैसे इस पर क्लिक किया ये फाइल ऑटोमेटिकली आपके सामने ओपन हो गई। ठीक है ना, लेकिन अब मैं आपको जो ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, अगर उस ट्रिक को आप सही तरह से यूज करेंगे तो देखेंगे कि ये फाइल आपकी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो जाएगी। ये कैसे प्रोटेक्टेड होगी वो देखिए आप। हम पहले यहां फाइल पे जाएंगे। यहां पे आने के बाद में दोबारा देखिएगा, मैं इसे थोड़ा सा बेक कर रहा हूँ। हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है इन्फो। ठीक है, देख रहे हैं ना, होम न्यू और ओपन के नीचे इन्फो। यहाँ पे इन्फो पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सामने ऑप्शन आएगा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ डिफॉल्ट पासवर्ड की बात करेगा, यानी कि आप यहाँ पे अपना कोई पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है 1234। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगा, वही सेम पासवर्ड 1234, और फिर मैंने इसको यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, अब आपकी फाइल बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो गई है। यहाँ पे लिखा हुआ रहा है ए पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, अब मैं यहाँ से इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। ये आपकी फाइल यहाँ से बंद हो गई। अब अगर मैं इसको दोबारा ओपन करता हूं तो आप देखना, जैसे मैं इस फाइल पे क्लिक करूंगा यहां पे ये फाइल खुलने से पहले पासवर्ड मांगेगी आपसे। बिना पासवर्ड की फाइल यहां से आपके ओपन नहीं होगी। अगर मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं 9874। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये फाइल नहीं खुलेगी, ये आपको एरर दिखा देगा। लेकिन अगर मुझे इसे अप्रोप्रिएटली ओपन करना है तो
तो मैं कैसे करूंगा, दोबारा देखिए, मुझे इसके लिए एप्रोप्राइट पासवर्ड डालना पड़ेगा जो मैंने वहां पे फिल किया था। तो मैंने पासवर्ड फिल किया था 1 2 3 4। जैसे मैं क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली मेरी फाइल ओपन हो जाएगी इस तरीके से। तो देखिए आप अपनी फाइल को इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प के, यानी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी सॉफ्टवेयर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके ऑफिस वर्जन 19 में एक सिंपल फीचर दिया है जिसका नाम है इन्फो। इन्फो में जाएं और आप अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।